अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हमारे पास जो एनालिटिक्स होती है गूगल की, और ये कंसोल में अपनी वेबसाइट कैसे डालते हैं, मतलब सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट शो नहीं हो रही, तो वो कैसे शो होगी। उसके लिए सबसे पहले आपकी जो ब्लॉग है वहाँ, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। अब ये ब्लॉग तो जो इस पर हम काम कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ किसी दूसरे ब्लॉग पे आपको दिखा दूँ ताकि आप सीख जाए। अब मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि ये रही, जिसका भी HTTPS इनेबल हो चुका है। अब ये जो वेबसाइट है bloggerstore.com, अगर हम इसको गूगल करते हैं तो शायद ये मिल जाए या ना मिले, कंफर्म नहीं। मैं इसको यहाँ सर्च कर लेता हूँ, तो ये हमारी गूगल पे आ रही है, लेकिन ये अभी हमारे पास कंसोल में इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो कंसोल में जब ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो भी पेजेस होंगे, ब्लॉग स्पॉट वगैरह के जो पोस्टें होती हैं और पेजेस होते हैं, वो अर्ली अपडेट हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, आपको अपनी प्रॉपर्टी डालनी होती है। मिसाल के तौर पर ये बता रहा है कि आपकी डोमेन डालें, यहाँ पर आप अपने प्रीफिक्स के साथ और यहाँ पर सॉरी HTTPS के साथ डालते हैं। अगर आपके पास सिंपली डालनी है तो यहाँ डाल दें, ये होती है आपकी नेक्स्ट मेन डोमेन। इसको कंटिन्यू करने के बाद अब ये वेरीफाई करेगा, और ऑनरशिप वेरीफाई हो गई। क्यों, इसकी वजह है ऑनरशिप इसका वेरीफाई हो गई कि ये जो ब्लॉगर जो हमारी वेबसाइट जो होस्टेड है वो सेम अकाउंट पे है, गूगल जीमेल के। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे और हमारी साइट को वेरीफाइड नज़र आ रही है। ठीक है, ये रिपोर्ट्स इंशाल्लाह कुछ दिनों में आना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे इस पर ट्रैफिक आएगा। तो ये देख सकते हैं कि कह रहा है कि आपकी साइट जो ऑनरशिप है वो वेरीफाई हो चुकी है। अच्छा, ये जो एसोसिएट रिकॉर्ड होता है DNS का, ये बता रहा है कि ये आपने GoDaddy से लिया हुआ है। तो अगर हम GoDaddy से अगर मैंने लिया हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं, या मैं रिडायरेक्ट करेगा GoDaddy पे, जो कि मेरा अकाउंट लॉग इन है ऑलरेडी। अच्छा, जिस अकाउंट में मैंने ये डोमेन ख़रीदी है मैं उसी अकाउंट में लॉग इन करूँगा। ठीक है, ये अकाउंट है मेरा, इसी में ऑलरेडी ये डोमेन मैंने बाई की है, तो ये अब उससे रिडायरेक्ट होके हाँ ये पे रिकॉर्ड डाल देगा, हमारा जो DNS रिकॉर्ड होता है उसमें ये रिकॉर्ड डाल देगा। जैसे हम कनेक्ट का बटन दबाएंगे ये हमारा रिकॉर्ड डाल देगा, जो कि मैनुअली लोग करते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें थी बहुत स्मार्टली कि हमने DNS रिकॉर्ड चेक करना है। अच्छा, इसमें हमने सिंपली एक TXT रिकॉर्ड डालना है, इन्होंने ये डाल दिया ऑलरेडी मेरे ख्याल से, कि आखिर है HASW। ठीक है, ये एक आल रहा ऑलरेडी। अब इसको वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं, आई होप कि वेरीफाई हो जाना चाहिए। देखो हो गया, कभी कभार हो जाता है बाय मिस्टेक, वो बाय मिस्टेक इन्होंने मैसेज दे दिया था, वैसे ये हो गया। ठीक है, अब ये जो सर्च कंसोल का काम हो गया, अब आपको डालना है इसको। अच्छा, अभी गूगल एनालिटिक में आपने इसको डालना है, सही है, analytics.google.com। ये दो चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब तक आप ये दो काम नहीं करेंगे, एडसेंस की अप्रूवल की जो मेन ये हिडन शरायत होती है, इसके बाद आप परेशान हो जाएंगे कि अप्रूवल नहीं आ रही। तो आपको ये दो काम करने होते हैं, ये लाजमी है। अच्छा, इसमें देख सकते हैं ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक नई प्रॉपर्टी बनाऊँ, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, सेटिंग में आके अकाउंट का नाम रखेंगे, जो मेरी वेबसाइट है मिसाल के ऊपर ये है ब्लॉगर स्टोर, तो मैं इसका नाम ब्लॉगर स्टोर रख देता हूँ। और डेली टेक का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं बस आपको एक चीज़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ जो कि आपने करना है, STORE सॉरी। अच्छा, इसका हमने गूगल प्रोडक्ट्स, बेंच मार्किंग, टेक्निकल सपोर्ट, ये सब कुछ सेलेक्ट कर लें। अच्छा, प्रॉपर्टी सेटअप में आएंगे, ये पहले ये नेक्स्ट करेंगे। तो इसमें आ रहा था सबसे पहले एक मसला आ रहा था, जो कि अब शायद वो ख़त्म हो चुका है। मैं हम अपनी कंट्री बता देते हैं, प्रॉपर्टी नेम हम रख देते हैं BLOGGER, सही है। और ये हमारा टाइम आ गया, करेंसी हम USD कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो एडसेंस होगा वो USD में कमाएगा। शो एडवांस ऑप्शन लाजमी कीजिएगा, इसमें आपके पास एक टाइम था, ये यूनिवर्सल एनालिटिक प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2023 इट कमेंट टू क्रिएट गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी, ये हम बना लेते हैं।
लेकिन ये ख़त्म होने वाली है करीब, कह रहे हैं। STO@army.com ठीक है, ये कर देना, ठीक है, ये भी कर दो, बहुत कर लेते हैं। ये बिजनेस का एग्जाम स्मॉल कर लेते हैं, ये ऐसी ऐसी ये मतलब कुछ भी है कर दो यार। ये जो है ना, इसमें जो दिल करे सेलेक्ट कर देना, ठीक है, इस पे कोई पाबंदी नहीं, समझ रहे हो, कहीं भी मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ तो वो यहाँ दे रहा हूँ, अय्याशी करो इधर, सही है ना, कुछ जगहों पर ऐसी होनी चाहिए। ये देखो ये नीचे रह गया था, छुप गया था, ये को भी सेलेक्ट करना, मतलब एक रस्म है पूरी करनी है। देखो प्रॉपर्टी हमारी तैयार हो गई, अब ये प्रॉपर्टी तैयार हो गई है, अब सबसे बड़ा मसला है कि ये प्रॉपर्टी हमने स्ट्रीमलाइन करनी है अपनी वेबसाइट के साथ जो कि कैसे करनी है, ये बड़ा मसला है। जब आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास इस तरह की, हमने कहा था कि दो प्रॉपर्टी बनाना है, ये एक है जनरल, ये है यूनिवर्सल, सही है। यूनिवर्सल जो प्रॉपर्टी है इसका हमारे पास ये नंबर भी आ रहा है, ठीक है, ये नंबर, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या करेंगे, आप आएंगे ट्रैकिंग पे, ठीक है, ट्रैकिंग में आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रैकिंग कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़, ये कोड आ जाएगा। तो इसके दो सोल्यूशन है, या तो आप यू कर लें यहाँ से, ये कोड आप कॉपी कर लें अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बराबर, सिंपली आपने इसको कॉपी किया और आपने यहाँ इनसे कहा कि भाई सेटिंग में गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी है, इधर आप इसमें आईडी डाल दी, तो आप सेव कर दें, ये आपकी आईडी सेव हो गई, एनालिटिक भी हो गई और आपके कंसोल भी हो गए, ठीक है। ये आपका कंसोल भी हो गया, दोनों मसले आपके हल हो गए, आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो इश्यूज है वो सारे क्रिएट, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल आखिरी छोटा सा पॉइंट है, ये वैसे करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये एडवांस लेवल का है, आप आएंगे ये आपकी, मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा रहा हूँ। ये आप टीम को एडिट करेंगे और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास कहीं पे भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन ये याद रखिएगा हेड के अंदर हम लोगों के पास यहाँ हेड होता है। देखो शुरू के अंदर आप जो है ना यहाँ पे कहीं पे भी डाल दीजिएगा कि भाई ये जिस तरीके से ये लिंक हुए हैं सारे, ये DNS पे पेज है। अब हम यहीं पे ये जो इसके साथ कोड नीचे दिखाया जा रहा है आपको, ये पूरी स्क्रिप्ट आप इसको ऐसे तरीके से सेलेक्ट करें और कंट्रोल सी दबा दें और यहाँ आके कंट्रोल वी दबा दें, और ये जो ऊपर का कोड है ये नीचे भी डाल दें ताकि आपको याद रहे कि भाई ये क्या चीज़ थी, तो आपको याद रहेगा भाई ये मेरा कोड था, और आप इसको सेव कर दें। अब क्या होगा, जब आपकी ये 48 घंटे गुजर जाएंगे तो आप होम पे आइएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, जैसे कोई आपकी वेबसाइट विजिट करेगा ना तो आपके ये दिखाना बता देना शुरू कर देगा आगे, तो पर ये वेबसाइट है, इसको मैंने होम पे क्लिक किया और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर, जैसे कोई खुलेगा ना और इस तरीके से नीचे करना शुरू करेगा तो आपके पास इंडिकेशन ये आना शुरू हो जाएगी, ये देख रहे हैं 1 आ गया। तो ये चीज़ें बेसिकली एडसेंस की रिक्वायरमेंट में आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। अच्छा जी, एक चीज़ तो हम करना भूल गए, वो ये है कि जब आप कंसोल में अपना वेबसाइट ऐड करेंगे तो उसके बाद आपको जो है ना कस्टम रोबोटिक टैग्स है वो इसमें डालना होता है, ठीक है। और ये आप कैसे बनाएंगे, सिंपली आप इस वेबसाइट पर जाएं, मतलब tech.com, इसमें एक टूल होता है साइड मैप जनरेटर, सही है, ये बहुत आसानी से कर लेता है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिंपली आपको यहाँ अपनी वेबसाइट डालनी है, मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट है ब्लॉगर स्टोर, अरे कितने जी लिख दिए, तो ये स्टोर, ये वेबसाइट, हाँ जी ठीक है, इसको वेबसाइट को हमें सिंपली यहाँ डालना है और जनरेट साइड में पे क्लिक करना, सही है, ये साइड में अब आपका जनरेट हो चुका है, आप सिंपली इसको कॉपी करें और इधर डाल, ओके,
ये आपका तैयार हो गया सेट, ये फाड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, आपने एक साइड में डॉट एक्सएमएल कर लिया, इसको कॉपी कर लेना है, और एक है साइड में पेजेस, इसको याद रखना। इसको हम सेव कर रहे हैं। अब हम जाएंगे कंसोल पे, ठीक है, दोबारा से कंसोल में हमारी वेबसाइट ऐड है, लेकिन वो जो हमारी पेजेस है वो साइड मैप के ऊपर क्लिक करेंगे, वो यहाँ ऐड नहीं है ना, तो हम यहाँ पे साइड मैप डाल देते हैं। सिंपल चलेगा नहीं, हम एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट कॉपी करते हैं, सॉरी कोई वेबसाइट कॉपी की, तो पहले वेबसाइट डाल दे, ठीक है, साइड मैप डाल दिया, ये पूरा कॉपी कर दिया। हमारी वेबसाइट नहीं है, एक ही मेन इंडेक्स पेज है, तो बस वही ऐड हुआ है, और आपने पोस्टें बनाई हैं तो फिर वो भी ऐड हो जाएंगे। इसके बाद वो एक दूसरा क्या था, पेजेस था, ये जी जी एस, ये भी ऐड कर देते हैं। पेज तो हमारे बनाए नहीं है शायद, हाँ चलो ऐड हो गया, तो पेज स्टेटस नहीं आ रहा ना, पेज नहीं बनाया। जो डेली टैग है जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं एक्शंस के लिए, उसमें आपको दिखा देता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा साइट मैप भी है, ये एंटोन भी है, सब ऐड किया हुआ है। ठीक है, मेन चीज़ होती है साइट मैप, ये आपको हर लाजमी डालना है, बाकी कुछ आप डालें नहीं डालें आपकी मर्ज़ी है। तो अगर मैं यहाँ पर साइड मैप की पेजेस और साइड मैप, ये ज़रा लाजमी होते हैं, ये डालना लाजमी है, पेजेस आप डालें नहीं डालें लेकिन साइड मैप लाजमी डालें, वो आपकी पोस्टों को फॉलो करता है सब चेंज। तो ये जो इस तरह का कुडेंट फेच आ रहा है ना, इसको आप रिलोड कर दिया करें, कभी भी इस तरह मैसेज आए ना रिलोड कर दिया करें, देख रहे सक्सेस आ गया 5 पेजेस में। तो ये दो लाजमी है, लेकिन ये आप बना दीजिएगा जो मैंने बनाया, सिखाया मैंने आपको, ठीक है।